गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। मैं बात कर लूँ? थैंक यू। हाँ जी, तो सुबह के बज चुके हैं 10 और हम उठ चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि हम पूरा वीक लेट नहीं उठते। कभी कभी अगर ताहिर ऑफ करें तो हम लेट उठते हैं, अदरवाइज हम लोग लेट नहीं उठ सकते, हम लोग उसी टाइम पे उठना होता है। तो जी बस हम लोग उठ चुके हैं और अब हम करेंगे नाश्ता, फिर करेंगे सफाई, फिर उसके बाद क्या करेंगे अगर मौसम ठीक रहा तो मे भी हम लोग बच्चों को लेकर गए भाई अखबारे जाएँ आज, क्योंकि सदर में एक पार्क है जहांगीर पार्क, आप लोगों को जो कराची के रहने वाले उनको तो ऑब्वियसली बात है पता ही होगा। हाँ जी, तो वहाँ पर उन्होंने ना डायनासोर लगाए हुए थे जब वो नया नया पार्क बना था। तो अभी हाँ, तो काफ़ी अरसे से ना, जब से लाइक एज ही हुआ ना, हम लोग ये छोटा सा था तो हम लोग गए थे तब, ये बहुत छोटा था, इसको पता नहीं था। अब इसको डायनासोर बहुत पसंद है, ये तो ये ना कार्टून भी डायनासोर वाले देखता है ना, और इसको बड़े पसंद है डायनासोर, एलिफेंट और सबसे ज़्यादा शेर। शेर इसका बहुत फेवरेट है, और ये वो कार्टून आते हैं तो मोगली वाले, उसमें शेर खान बोलते हैं वो, तो इसको शेर खान बड़ा पसंद है। इवन कि इसके पास इसको टॉयज़ में भी शेर बड़े पसंद है। ये भी देखें, मेरे पीछे स्पाइडरमैन पड़ा हुआ है, ये ऐसी चीज़ें इसको बड़ी पसंद है। तो जी बस यही है कि आज अगर तो बारिश ना हुई, मौसम अगर बारिश का मौसम भी बना रहा तो फिर भी मे भी हम लोग निकल जाएं, लेकिन ये है कि बच्चों के साथ फिर बारिश हो जाए तो बाइक पर बहुत मुश्किल होती है, इसलिए हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं निकलने से बच्चों को साथ लेके, कि मौसम ख़राब हो जाए तो फिर हम रास्ते में फंस जाएँ। अकेला इंसान हो तो निकल आता है, फिर बच्चों के साथ फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और उस दिन भी 14 अगस्त वाले दिन भी हम लोग जब घर से निकले थे तो बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी, हमारे साथ नहीं हुई थी, किसी और फैमिली के साथ हुई थी। हम लोग जैसे ही निकले थे तो मेन रोड पर पहुंचे तो वहाँ पर एक ऑटो था, तो ऑटो में काफ़ी 3-4 बच्चे थे, एक लेडी थी, तो वो उनका एक पानी था बारिश का खड़ा हुआ रोड पर। आप जानते ही हैं कराची के हालात को, कि मतलब क्या हालात हुए हैं कराची के, और मतलब यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है हर जगह पानी। तो वो हम लोग की बाइक पीछे थी, हमारे पीछे एक और फैमिली थी, मतलब वो भी बाइक पे थे बट उनकी फैमिली थी, लाइक उनके बच्चे भी थे, उनके साथ लेडी भी थी। तो वो रिक्शा जो था, हमारे आगे वाला जो ऑटो था, वो ना एकदम से खड्डा आया और वो पूरा कल्टी हो गया। यूँ होता ना रिक्शा, तो यूँ टर्न हो गया जल्दी से। फिर हम लोगों ने फटाफट बाइक रोकी और ताहिर जल्दी से भागे, और वो जो मेरे हमारे पीछे एक बाइक थी, वो भी जो आदमी थे, भाई थे, वो भी जल्दी से भागे जाके, वो इन लोगों ने फटाफट पानी में गुस्से जाके इन लोगों ने इन सबको बाहर निकाला, उनके हेल्पर वगैरह के उनको बाहर निकाला। लेकिन थैंक्स गॉड के बच्चे तो बच गए थे, बच्चों को तो कोई चोट वोट नहीं लगी थी, लेकिन वो जो लेडी थी ना वो सबसे नीचे थी, उनके ऊपर उनके बच्चे थे तो उनको थोड़ा सा लगा था। तो ये है कि मतलब बचत हो गई थी, कुछ चोट वोट नहीं है उनको ज़्यादा लगी। तो खैर वो फिर हमारे सामने भी दोबारा रिक्शा में बैठे थे और वो चले गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग भी निकले वहाँ से। तो फिर इस तरह से ना बड़ी मिस हैपनिंग हो जाती है, फिर अगर आप कहीं जा रहे हो इस तरह के सीन आप देख लो ना, फिर बड़ा दिल परेशान हो जाता है बच्चों के साथ, और फिर डर लगता है, नहीं दिल करता खुद भी जाने को। तो मेरा भी यही हाल था, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब डरपोक टाइप ना, तो मैंने फिर ताहिर को बोला कि हम घर वापस चले, तो ताहिर ने मुझे डांटा कि पागल हो गई हो, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता, तुम निकल आती हो घर से फिर तुम डरती हो, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा चल सही है। खैर ये है कि बस भाई जब भी निकले तो बहुत ख्याल के साथ अपने बच्चों को लेके और बहुत एहतियात के साथ जाना चाहिए, स्पेशली इन दिनों में। तो बस यही था, और बस जी चलें, अब बहुत बातें कर ली मैंने, आपको बता दिया सब। अब जी हम चलते हैं किचन में, क्योंकि आज नाश्ता मैं नहीं बना रही, आज ताहिर बना रहे हैं नाश्ता, और ताहिर बना रहे हैं आई थिंक ब्रेड फ्रेंच टोस्ट या क्या, आई डोंट नो। तो चलते हैं किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ कि ताहिर आज क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं। बच्चों को ना, बच्चे जब भी फ्रेंच टोस्ट वगैरह खाते हैं ना तो वो फिर ताहिर से उनकी फरमाइश होती है कि डैडा आप बनाएं, तो ताहिर बना रहे हैं। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ताहिर क्या बना रहे हैं। तो चलिए चलिए किचन में, लेट्स गो। ये देखें जी, मैं बाहर आई हूँ तो बादल की ये सूरत हाल है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। मेरा देखिए फर्श सारा गीला है, ये देखिए बारिश हो रही है। और चलें चलते हैं किचन में, देखते हैं ताहिर क्या कर रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हो? ओ माय गॉड, मास्टर शेफ आए हैं मेरे घर पर, दो दो, एक ये शैरो और एक ये शैरो का डैडा। तो मैं तो नहीं अंडा खाऊंगी, तो मेरे लिए क्या बनाओगे आप लोग? आपके लिए आलू के पराठे।
बनाई ना लो आलू के पराठे, बनाई ना लो आलू के पराठे। ये हैं जी ताहिर, मिल लें जी ताहिर से। ताहिर इधर तो देख लो यार, एक मिनट देख लेते हैं, कुछ नहीं होता। हेलो कर दो। हाँ है, एक ही सी। हाँ ऑलवेज। हाँ जी, तो मैं रखूँ साथ साथ चाय, ताहिर अपने लगे हैं काम में, वो देखें। आप किसी को भी फ्रेंड पास बनवाने हैं तो ताहिर से रब्ता कर लीजिएगा, हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको फ्रेंड पास बना कर देंगे। ये मास्टर है फ्रेंड पास के, है ना ताहिर? उससे बड़े बड़े भी होते हैं। चलें जी, मैं चाय रख। मास्टर शेफ उतरे हैं मेरे घर में, देखिए आप भी सब, किसी ने बनवाने हो फ्रेंच टोस्ट मज़े मज़े के, क्रिस्पी क्रिस्पी, तो रब्ता कीजिए हम लोगों के साथ। अच्छा खैर, मैं तो नहीं खाती फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि मैं अंडा नहीं खाती, तो इसलिए मैं फिर ये भी नहीं खाती। मेरे लिए ताहिर क्या लाए हैं? गया, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये है ना, ये मुन्नूसा बटर लाए हैं, क्योंकि हमारा बटर ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए ये मुन्नूसा बटर, साथ में रस, ये भी ये लाया ताहिर एक्स्ट्रा में, कि अगर किसी अगर नहीं ले। वैसे मेरे लिए ब्रेड उन्होंने फ्राई की है, सिंपल कहाँ रखे था मेरे लिए ब्रेड, ये बस सिंपल टोस्ट मेरे लिए फ्राई कर दिए ताहिर ने, मैं बटर लगा के खा लूँगी, क्योंकि आज है पराठों की छुट्टी, पराठे नहीं बन रहे, वरना डे। ये देखें जी, आज तो पता नहीं कौन सा दिन चढ़ गया हमारा, सारे ही यहाँ पे कुक बने हुए, मेरे तीनों बेटे भी, मेरे हस्बैंड साहब भी। अब जी ये देखिए जी, मेरे ऐजी को ये मुझे ब्रेड पे बटर लगा के दे रहा है। हो 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 हो, वाह जी वाह, खा लूँ, बस लग गया, ऐसे लगाते हैं। अच्छे से स्प्रेड तो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अच्छे से स्प्रेड तो करो। चलिए जी, तो हमारा नाश्ता ये देखें आ चुका है, बस अब हम लोग कर ले नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। हाँ जी, तो हमारा दोपहर का खाना भी रेडी हो चुका है, मैंने दोपहर के खाने में बनाया है मैक्रोनी, और जी बस अब हम खाना खाएंगे, उसके बाद रेडी होके हमने निकलना है किसी काम से, हमारा कुछ काम है तो हम वो करेंगे, और बस फिर आपको मिलते हैं। और जी ये देखें मेरे मैक्रोनी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं जी हमारे मैक्रोनी। ताहिर ने ऊपर इतना सारा लॉट्स ऑफ केचप डाल दिया है, ये ताहिर बहुत भूख लग रही है भाई, चलें खाएं फिर बताएं कैसे बने हैं। सही बने हैं। कैंजी शारो आ जाओ बेटा, ये भी अब बस खाएंगे। अच्छा आप कोल्ड ड्रिंक पी लेना, बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मा को मैंने कहा था बनाना। हाँ ये शारो, इनके वो टॉस किया था हमने, एजो और कैंजी कह रहे थे हम लोगों ने स्पैगेटीज खानी है, और शेरो को मैक्रोनी खाने थे, तो टॉस हुआ था, तो शेरो आज जीत गया था, तो इसलिए फिर मैक्रोनी बने हैं। तो चलें जी, बस अब हम खाना खा लें जी। बेबी आपने भी खाना था, तो बस हम खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो हम हो चुके हैं रेडी, हमें किसी काम के लिए जाना था, तो हम लोग उस काम के लिए जा रहे हैं, वो काम करके फिर मैं जाऊंगी सिसिलिया की तरफ, उसकी तबीयत ख़राब थी और वो परसों रात हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो उसको देखूंगी, जो मैंने ये 14 अगस्त वाले ब्लॉग में आपको आपको अपनी फ्रेंड दिखाई थी उसकी, तो मुझे कल रात में पता चला था, तो आज हम लोग जा रहे हैं उधर भी, और हमारे साथ सिर्फ एजो जा रहा है, कैंजी और शेरो घर पर हैं, वो नहीं जाएंगे, सिर्फ ऐज़ो को लेके जा रहे हैं, क्योंकि मौसम ख़राब है, तो ये ना हो कि बारिश हो जाए और फिर मसला हो बच्चों के साथ, तो सिर्फ ऐज़ो को लेके जा रहे हैं, तो अब हम निकलते हैं, जाके आपको वहाँ पर मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं पहुँच चुकी हूँ सिब्बू के पास, ससिलिया के पास, मैं इसको सिब्बू बोलती हूँ, तो सिब्बू के पास पहुँच चुकी हूँ, तो आज इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, शुक्र है, सेट है, बस मुँह शू इसका स्वेल है, आँखें स्वेल हैं, लेकिन ठीक है, सही है, और अभी आके इसको थोड़ा फ्रेश अप किया है मैंने, मैंने कहा चल फ्रेश हो जाए थोड़ी सी, और ये नहीं मिले इससे। हेलो गाइस, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने थोड़ा सा मेकअप भी किया अभी। हाँ ये भी तैयार हुई है, मैंने कहा चल मेकअप कर थोड़ी सी अच्छी अच्छी बन के दिखा, और ये देखिए अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, और बस चाय पीने के बाद हम निकल जाएंगे। ये मुझे कह रही है कि खाना खाओ खाना खाओ, पर नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगी, बच्चे बड़े घर पे, और मौसम बड़ा ख़राब है बाहर, तो बस अब हम लोग निकल जाएंगे घर यहाँ से, और इसको देख लिया तसल्ली हो गई है, शुक्र है, बचत हो गई है, बच गई है। ये देखिए यार, ये बच गई है, बचना नहीं था मैंने गाइस, तो मैं भी बचना था, खुदा तुम्हें जिंदगी दे बच्चों में, और बस इसको देख लिया, मुझे भी बड़ी तसल्ली है, बस अब चाय पियेंगे और निकलेंगे यहाँ से, और फिर
चलो हाँ जी, तो अब हम चाय पी रहे हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया, बस चाय पियेंगे। हेलो गाइस, मैं कह रही थी आप चाय पियेंगे। हाँ तो आ जाएं, बताएं अगर पीनी है तो आ जाएं। यहाँ पे नहीं आइएगा, सभा कैफे पे। और ये रानिया भी आज इधर, ये रानू इधर आओ, कम ये बेबी कुछ नहीं होता, इधर आ, आजा आजा, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। रानू रानू ट्यूशन नहीं गई, रानू ट्यूशन नहीं गई और छोटी दोनों ट्यूशन गई हुई है, और रानू ने गई, और एजी साहब भी इधर। एजी साहब, इसकी मासों ने इसको चीजियां मंगा के दी है, ये बस चीजियां खा रहा है। तो चलें जी, फिर बस हम चाय पीते हैं और फिर थोड़ी गपशप कर लेते हैं। ताहिर नीचे वेट करें, वो आए थे ऊपर, फिर नीचे चले गए, उनके भी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो वो अब नीचे वेट करें, बस हम भी चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं घर जाकर। हाँ जी जी, तो हम घर पहुँच चुके हैं और ये देखें, बारिश में हम लोग भीगते हुए घर पहुंचे हैं। और एजी को तो बहुत सर्दी लग रही थी, एजी तो काम पर आ था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी ट्रैफिक जैम था। हम लोग पहुंच गए हैं घर, और बस जी आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड। सही है एजी, बता दो सबको, बोलो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, बोल दो। हाँ, आज का व्लॉग हम यहीं पर करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे जब लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इतना बहुत ख्याल रखिएगा, और जी ऐसा गिरने लगा था बेड से, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कोशिश करें कि इन बारिशों में घर से ना निकले। हम लोगों ने भी बेवकूफ़ी कर ली थी, बस कुछ काम था ज़रूरी, फिर जहाँ पर काम था वहीं से ससिलिया का घर भी नज़दीक था, तो हमने सोचा कि उसका भी पता कर लिया जाए। तो बस जी हम लोग पूरा एक घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे हैं, तो जी अब बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।